दिनों पहले जयदेव जी की मंगल मूर्ति आपने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में देखी होगी। आज मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ क्योंकि ये सब गाने उन्होंने खुद म्यूजिक दिया है उसको। पहला गाना है जो भूपी जी गा रहे हैं, इनका भी नाम आपने सुना होगा। जैसे उनका गाना भूपी जी गा रहे हैं और म्यूजिक दिया है जयदेव जी ने, तो आप समझ सकते गाना कितना खूबसूरत होता है। लेकिन गाना शुरू होने से पहले मैं भूपी जी से कुछ पूछना चाहती हूँ, शायद उनको मालूम हो। भूपी जी, मैंने पढ़ा था कि आप फिल्मों में काम करना चाहते, किसी ने आपको ऑफर दी थी हीरो के रोल के लिए और आपने कहा कि मैं नहीं करूँगा करके। मेरे ख्याल से अच्छा कि आपने जो नहीं किया, वरना अमिताभ बच्चन बेचारे क्या करते समझ में नहीं आता। आप गाना तो इतना अच्छा गा लेते हैं। ऑफर तो होती रहती थी जी, लेकिन क्या है कि शौक नहीं था काम करने का। तो गाने का शौक आपको ज्यादा रहा, लेकिन मुझे लगता है आप काम कर लेते तो भी अच्छा करते शायद। क्यों, ऐसी क्या बात है, शक्ल आपकी बता देती है। तो आप कौन सा गाना सुना रहे हैं आज? मैं अभी एक जो गाना सुनाने जा रहा हूँ जयदेव जी का, उसको नक्श लालपुरी जी ने लिखा है। अच्छा, तो जयदेव जी के संगीत में। तो बस सुनाइए, हम तो बिल्कुल तरस रहे आपका गाना सुनाने के लिए जी। फिर तेरी याद ने दीप जलाने आई, फिर तेरी याद ने दीप जलाने आई, मेरी दुनिया मिटाने आई, फिर तेरी याद नए दीप जलाने आई, फिर तेरी दामन में
इतना तन्हा मैं किसी शाम किसी रात न था मेरी तन्हाई को मेरी तन्हाई को सीने से लगाने आई फिर तेरी खूब भूपी जी, लेकिन मैं आपको इतने जल्दी जाने नहीं दूंगी जी। अगर टाइम होगा तो आपका और एक गाना पड़ेगा जरूर, जरूर। तो मैं आज आपके सामने